गुड मॉर्निंग और एक नए सुबह के साथ हम फिर से हाजिर हैं। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे कि 2019 से शुरू करते हैं और क्या शुरू करते हैं कि वन लाइनर के रूप में जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी 2019 में उन सब पर एक सरसरी निगाहें दोहरा लेते हैं, जिससे होगा कि आगे आने वाले जो एग्ज़ाम होंगे उसमें से तो 2019 से भी क्वेश्चन आएंगे ही। अगर 10 क्वेश्चन आते हैं मान लीजिए करंट अफेयर्स का, तो 2019 का उसमें से लगभग 8 क्वेश्चन होंगे। तो क्लियर है, तो इन्हीं सब बातों के साथ शुरू करते हैं। और उससे पहले एक बात कि हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जो बार बार बोलता हूँ फिर बोलता हूँ। तो बिना देर किए हुए शुरू कर रहे हैं। और इसमें हमारे लिए दिन महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण क्या है तो घटना, कि वो घटना कब हुआ और उसे कौन कौन सा देश संगठित है यानी संबंधित है, कौन सा संगठन उससे संबंधित है। तो इन्हीं सब बातों के साथ शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहली घटना कि क्या था कि देखिए यहाँ से, तो दो देश आधिकारिक तौर पर यूनेस्को से अलग हो गए। तो कौन कौन देश साल भर चर्चा में रहा, तो अमेरिका और इजराइल पहली घटना है। उससे दूसरी, तो पाकिस्तान के प्रांतीय सरकार ने किस हिंदू धार्मिक स्थल को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया, तो किसको, तो पंच तीर्थ हिंदू धार्मिक स्थान, तो किसको, पंच तीर्थ हिंदू धार्मिक स्थान। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा की दूसरी ओर यानी अनदेखे हिस्से पर यान उतारने वाला पहला देश तो कौन बना, यानी साउथ पोल पर, तो दक्षिण। और चीन ने क्या किया था, तो चंद्रमा पर दक्षिणी ध्रुव पर कपास का एक पौधा भी उगाया था। आगे बढ़ते हैं। 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में किसे एग्जीबिटर ऑफ द ईयर अवार्ड, एग्जीबिटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला था, तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, कब, तो 106वीं में मिला था। और 107वीं भी इस बार हो गया है। 107वीं इस बार कहाँ हुआ था साइंस कांग्रेस, तो ये बंगलुरु में हुआ था। क्लियर है। और एक और ये नाम परिवर्तन, देखिए एयरपोर्ट तो किसका नाम बदलकर महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर एयरपोर्ट कर दिया गया। ये कौन सा एयरपोर्ट था, तो ये अगरतला एयरपोर्ट का नाम बदल दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी, माउंट विंसन, माउंट विंसन पर चढ़ने वाली महिला पर्वतारोही का नाम बताइए, महिला पर्वतारोही तो कौन, ये अरुणिमा सिन्हा है, अरुणिमा सिन्हा। और पाकिस्तान द्वारा स्वदेश में विकसित रॉकेट A-100, नाम ही 100, तो क्या है, पाकिस्तान द्वारा विकसित एक रॉकेट है 100, और 100 है तो इसकी क्षमता भी 100 हो गई, कोई खास नहीं है। 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया, तो विश्व ब्रेल दिवस। तो विश्व ब्रेल दिवस कब, तो 4 जनवरी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस जगह दोलिताबी बैराज परियोजना, तो दोलिताबी बैराज परियोजना का संबंध एक क्वेश्चन आएगा कि ये किस राज्य से संबंधित है, ये एवरग्रीन करंट अफेयर्स हो गया, तो ये कहाँ से संबंधित है, तो यह है मणिपुर से संबंधित, कौन, तो दोलिताबी बैराज परियोजना। और आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में होपमैन कप 2019 का खिताब किसने जीता था, तो उसमें कौन जीता 2019 वाले में, तो स्विट्जरलैंड ने किसको हराया था, तो जर्मनी को हरा दिया था। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ खास नहीं है। हाँ एक देख लीजिए कि 76वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड के तहत ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, तो अभिनेता कौन थे, रामी मलिक, और अभिनेत्री ग्लेन कोच को अवार्ड मिला था। और वही फिल्म सर्वश्रेष्ठ कौन था, तो वही रोमा था, कुछ खास नहीं है। आगे बढ़ते हैं। EWS को जो आरक्षण मिला था वो कितना मिला, 10% मिला था। और यहाँ से भारत ने कहाँ से रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह का प्रचलन शुरू किया, तो चाबहार कहाँ है, तो ईरान में। और इसके अपोजिट भारत किसके अपोजिट में चाबहार पर कार्यान्वयन कर रहा है, तो पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट है, उसको पाकिस्तान ने किसको दे दिया था, तो चीन ने दे दिया था, तो उसे 72 किलोमीटर दूरी पर भारत ने क्या बनाया, तो चाबहार पोर्ट बनाया था। एक और महत्वपूर्ण, तो 105वां सदस्य किसका, तो ICC का यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, कौन है, तो USA यानी अमेरिकी क्रिकेट संघ। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। और 2019 में एशिया प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर था, तो आंध्र प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में फर्स्ट स्टैंड पर है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 तो कहाँ आयोजन किया गया था, तो पुणे में। और अब कैम इस बार कहाँ होगा, तो गुवाहाटी में होगा, कौन, तो 2020 वाला। आगे बढ़ते हैं। 2019 में
नहीं क्वेश्चन यहाँ से पढ़िए इसको, देश का सबसे लंबा सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज कौन उसकी नाम है उसका, तो बेओरंग, बेओरंग पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो बेओरंग पुल किस राज्य से संबंधित है, इसी तरह से क्वेश्चन आ जाएगा कि बेओरंग पुल हाल ही चर्चा में था, तो क्या है, तो ये अरुणाचल प्रदेश का है, और क्या तो स्टील केबल पुल है। और आगे बढ़ते हैं, 10% जो आरक्षण दिया गया था EWS को विधेयक राज्यसभा में कितने मत से पारित हुआ, तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन देख लीजिए राज्यसभा में इसके पक्ष में 165 मिले थे और लोकसभा में 323। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2019 नहीं, इसको कीजिए अब 2020 में भारत का स्थान तो पहले 79वां था, लेकिन इस बार हम लोग प्रमोशन कर गए हैं, यानी हम लोग की स्थिति खराब हो गई है, अब हम लोग की स्थिति भारत की 84वीं नंबर पर है। और सबसे अच्छी पासपोर्ट कहाँ की है, तो जापान की है, और सिंगापुर जापान दोनों संयुक्त रूप से साथ में हैं। और एक और, तो 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, सॉरी हाँ 10 जनवरी को दिवस होता है तो उसका नाम क्या है, तो वो होता है विश्व हिंदी दिवस, तो विश्व हिंदी दिवस कब, तो 10 जनवरी को, ये भी एवरग्रीन इकोनॉमिक्स है, सॉरी करंट अफेयर्स है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार भारत कब तक विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बन जाएगा, तो कब, तो 2030। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हर बार आयोजन कहाँ होता है, तो दावोस, दावोस कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में। आगे बढ़ते हैं, और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मिशन गगनयान को, किसको, तो मिशन गगनयान को कब लॉन्च करेगी सर इसरो, तो दिसंबर 2021 इसका डेट है, और इसके लिए 4 व्यक्तियों का सिलेक्शन भी कर लिया गया है, और उनको ट्रेनिंग के लिए कहाँ भेजा गया है, तो रूस में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ये फ्रांस का एक अवार्ड है, क्या, सेफ डे मिशन, यानी कि जो खाना बनाने वाले हैं, मतलब देखिए आगे, टोक्यो ओलंपिक के लिए सेफ डे मिशन के रूप में किसे नामित किया गया है, तो ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक के लिए सेफ डे मिशन कौन है, तो वीरेंद्र कुमार बैस, तो कौन हो गए, भारतीय हैं। और भारत में कौन सा दिवस मनाया गया, कब, तो 12 जनवरी को, तो 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, कब, तो 12 जनवरी को। और एक राज्य है भारत का, कौन, जो एक परिवार और एक नौकरी योजना का शुभारंभ किया, तो कौन है वो, तो सिक्किम सरकार। आगे बढ़ते हैं, मैसेडोनिया, तो मैसेडोनिया एक यूरोप का एक देश है, लेकिन उसने अपना नाम चेंज कर लिया, क्यों, क्योंकि उसको नाटो में उसकी एंट्री नहीं हो पा रही थी, क्योंकि ग्रीस उस पर रोक लगा दे रहा था, तो उसने अपना नाम चेंज किया, क्या नाम किया, तो उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य कर दिया। मैसेडोनिया क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिकंदर यहीं से संबंधित था। आगे बढ़ते हैं, और EWS जो आरक्षण दिया गया, तो उसमें सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था, तो गुजरात में लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार, तो कौन, तो सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार, कब, तो 2019 वाला, किसको मिला था, तो नमिता गोखले, लेकिन अब महत्वपूर्ण इसलिए है कि 2019 भी देकर पूछ दे तो भी हमको याद होना चाहिए कि सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार किसको मिला था, तो नमिता गोखले को। और इनका उपन्यास क्या था, दो थिंग्स टू लीव बिहाइंड, तो क्या इनका उपन्यास था, तो थिंग्स टू लीव बिहाइंड। आगे बढ़ते हैं, और पहला प्रीमियर बैडमिंटन लीग, ये महत्वपूर्ण है, BPL का खिताब किसने जीता था, पहला का कौन जीता, तो बेंगलुरु रैप्टर्स ने, किसको हराया, तो मुंबई रॉकेट्स को हरा दिया था। और दिल्ली में पहली बार फिलिप कोटलर प्रेसिडेंटियल सम्मान, तो पहली बार अवार्ड मिला था, कौन, तो यही फिलिप कोटलर प्रेसिडेंटियल सम्मान, तो किसको मिला था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और कहाँ मिला था अवार्ड, तो दिल्ली में। और सत्यजीत रे ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, यानी पुरस्कार, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था, तो 2019 का, किसको, तो बुद्ध देव दास गुप्ता, ये भी बंगाली, वो भी बंगाली। और 2019 में, यानी 15 से 16 जनवरी, देखिए क्या है, ग्लोबल एविएशन सम्मेलन, यानी फ्लाइंग फॉर ऑल, इसका थीम क्या था, ये महत्वपूर्ण है, तो फ्लाइंग फॉर ऑल, क्लियर है, विषय के साथ कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये पहली बार हुआ था, क्या, तो ग्लोबल एविएशन सम्मेलन, तो कहाँ, मुंबई में, ये महत्वपूर्ण है। और 2019 का जो IMBEX इम्बैक्स, यानी इम्बैक्स ये क्या होता है, तो सैन्य अभ्यास है, याद कीजिए, इम्बैक्स किन किन देशों के बीच होता है, तो भारत और म्यांमार के बीच में, ये महत्वपूर्ण है। और ये स्थान भी देख लीजिए कहाँ हुआ था 19 वाला, तो हरियाणा के चंडी मंदिर मिलिट्री स्टेशन। आगे बढ़ते हैं, और 2018 में शांति
गांधी शांति पुरस्कार से किसे नवाजा गया? तो गांधी शांति पुरस्कार से किसे नवाजा गया था? तो ये है योहेई ससाकावा, योहेई ससाकावा। और क्या था? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, तो WHO के सद्भावना दूत हैं। और भारत के सबसे कम आयु के ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो नाम है चेन्नई के डी गुकेश, के डी गुकेश। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय, तो कभी भी पूछा जा सकता है तो कौन है, तो महिला पहलवान कौन, तो विनेश फोगाट। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI में बीटेक शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान, ये कभी भी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, ये हर एवरग्रीन करंट अफेयर्स हो गया, तो इसको कौन शुरू किया, तो IIT हैदराबाद। और यूनिवर्सिटी कहाँ बना है AI पर, तो UAE में। आगे बढ़ते हैं। और जापान पुरस्कार 2019 किसको दिया गया था? तो डॉक्टर रतन लाल को, क्या, तो जापान पुरस्कार। और 2020 हेतु विश्व की पहली, देखिए भी विश्व की पहली, जो पहली हो जाता है ना वो महत्वपूर्ण होता है, तो पहली आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला की वैश्विक राजधानी, वर्ल्ड कैपिटल किसको घोषित किया गया था? तो रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो कहाँ है? तो ब्राज़ील में। और रियो डी जेनेरियो बहुत बारे में महत्वपूर्ण होता है, हमें याद करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि 92 जो और समिट हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो ब्राज़ील के शहर रियो में हुआ था। फिर उसको क्या कहा जाता है, और समिट कहा जाता है। और 2016 में क्या हुआ था, तो रियो में ओलंपिक हुआ था। फिर उस 2016 में और भी कुछ हुआ था, क्या हुआ था, तो विश्व को फीफा विश्व कप हुआ था, वो 2016 से पहले हुआ था। ये सभी कहाँ, तो रियो में। रियो क्या है, तो ब्राज़ील का महत्वपूर्ण शहर है। और आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ से, देखिए महत्वपूर्ण यहाँ से आ गया, भारतीय सिनेमा के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय, तो कहाँ उद्घाटन किया गया, तो जहाँ सिनेमा बनती है, जहाँ फिल्में बनती है, यानी कि मुंबई में। और पुणे में जो संपन्न खेलो यूथ यूथ इन गेम्स हुआ था 2019 वाला, उसका थीम क्या था, तो 5 मिनट और। और प्रथम स्थान पर कौन, तो महाराष्ट्र, दूसरा में हरियाणा और तीसरा में दिल्ली था। और 2020 वाला कहाँ होगा, तो गुवाहाटी में होगा। ये गुवाहाटी कहाँ है, तो असम में। और सबसे ज़्यादा इसमें अवार्ड कौन जीता था, इसका पहले देख लेते हैं, इसका शुभंकर, शुभंकर कौन, तो जया और विजय, जया और विजय इसका शुभंकर था। और सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किसने जीता, तो तैराक कौन, तो श्री हरि नटराज ने, कितना, 700। और कहीं भी किसी भी गेम्स होता है उसमें सबसे ज़्यादा और मेडल जीतने का नौबत आता है, पूछ ले कौन सा खेल में होगा, तो न जानते हुए भी अगर तैराक आ जाए तो तैराक लगा देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सबसे अधिक मेडल लोग तैराक में ही जीतते हैं। आगे बढ़ते हैं। संसद रत्न सम्मान यानी 2019 वाला किसको दिया गया था, तो सांसद अनुराग ठाकुर को। और एक और क्वेश्चन, मोहम्मद राफे तो किस खेल से संबंधित है, तो ये भी जिमनास्ट से है, कौन, तो मोहम्मद राफे। और प्रतिष्ठा सम्मान, तो इनका भी संबंध किससे है, तो जिमनास्ट से है। और इन दोनों ने क्या किया था, तो जो 2019 वाला यूथ गेम्स हुआ था उसमें पहला गोल्ड मेडल जीता था, क्लियर। और 15वां प्रवासी भारतीय दिवस, तो इसके मुख्य अतिथि कौन थे, तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन, तो श्री प्रविंद जगन्नाथ। श्री प्रविंद जगन्नाथ क्या थे, तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री और ये मुख्य अतिथि थे। और जो WEF है यानी विश्व आर्थिक मंच का बैठक कहाँ होता है प्रत्येक वर्ष, तो ये स्विट्जरलैंड के दावोस में होता है, क्लियर है, ये प्रत्येक वर्ष वहीं होता है और बार बार क्वेश्चन भी आता है। आगे बढ़ते हैं, ये महत्वपूर्ण है। प्रथम शेख सौद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, कौन सा प्रथम शेख सौद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, तो किसको दिया गया, तो भारत रत्न से सम्मानित वैज्ञानिक कौन, तो CN राव यानी मेट्रोमैन, क्लियर है। आगे बढ़ते, सॉरी CN राव मेट्रोमैन नहीं है, वैज्ञानिक हैं CN राव। और 2017 के प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान, तो सरस्वती सम्मान किसको दिया गया था, तो ये देखिए गुजराती साहित्यकार हैं, कौन, तो सीतांशु यशचंद्र। सीतांशु यशचंद्र क्या है, तो गुजराती साहित्यकार हैं। और इनको क्या मिला था, तो सरस्वती सम्मान अवार्ड मिला था, कब वाला, तो 2017 वाला। और ए पी जे कोलकाता लिटरेरी फेस्टिवल में वुमन्स वॉइस अवार्ड, कौन, तो वुमन्स वॉइस अवार्ड, तो किसको मिला था, तो रंजनी मुरली। रंजनी मुरली को क्या मिला, वुमन्स वॉइस अवार्ड, और कहाँ, तो ए पी जे कोलकाता लिटरेरी फेस्टिवल में।
और 101 दिवसीय विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं, ये क्या है जो सबसे तेज है, तो कौन है? मोहम्मद शमी। जब इनका रिकॉर्ड टूटेगा तब देखा जाएगा, लेकिन अब तक सबसे तेज यही है। और 24 जनवरी, तो 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है देश में, तो कौन सा है वो? राष्ट्रीय बालिका दिवस। कब? तो 24 जनवरी को। और आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का राष्ट्रीय पेय घोषित किया गया, तो राष्ट्रीय पेय कौन होता है? तो गन्ने का जूस है। और देश 3 जनवरी फिर इस बार महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि एक लोक गायिका है, कहाँ के हैं? तो छत्तीसगढ़ के हैं। और क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इनको 2019 में पद्म विभूषण सम्मान दिया गया था। क्या था? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। क्लियर है? क्या है पद्म विभूषण? तो देश की दूसरी सर्वोच्च या प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान है। कौन दूसरी? तो पद्म विभूषण। और पहला कौन है? तो भारत रत्न। और पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय ट्रांसजेंडर, तो पहली भारतीय ट्रांसजेंडर कौन है? तो ये नर्तकी है, नटराजन। नर्तकी नटराजन ये पहली ट्रांसजेंडर हैं जिनको क्या सम्मान दिया गया था? तो पद्मश्री। जो प्रथम होता है वो महत्वपूर्ण होता है। और आगे बढ़ते हैं, जो 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो उसका में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब? तो 25 जनवरी को मनाया गया था। कब? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और 2019 क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस बार लोकसभा का चुनाव भी हुआ था, और इस बार का जो मतदाता दिवस था कब? तो 25 जनवरी वाले। तो इसमें थीम क्या था? तो कोई भी मतदाता पीछे नहीं छूटना चाहिए। तो क्या? तो कोई भी मतदाता पीछे नहीं छूटना चाहिए। कब? तो ये मतदाता दिवस का, राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम था। और ये कब था? तो 25 जनवरी को होता है। आगे बढ़ते हैं, 2019 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को 2018 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना था? कौन? तो हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर। तो हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर कौन है? तो नारी शक्ति शब्द को क्या था? हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर। और किसने इसको घोषणा किया था? तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का है। आगे बढ़ते हैं, इंडोनेशिया मास्टर्स का खिताब किसने जीता था? तो साइना नेहवाल ने। और किसको हराया? तो कैरोलिना मारिन को हराया था। तो कैरोलिना मारिन कहाँ की? तो ये स्पेन की है। आगे बढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो सबसे पहला ओपन होता है, या फिर 2020 का भी होगा, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो 2019 में हुआ था, इसको कौन जीता? तो नोवाक जोकोविक। और हराया किसने था? तो ये जापान के हैं। कौन? तो नाओमी ओसाका। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा स्टील का उत्पादक कौन है? तो हर कोई जानता है चीन। और दूसरे नंबर पर कौन है? तो भारत। भारत ने क्या किया था? तो जापान को पीछे छोड़ दिया था। आगे बढ़ते हैं, विश्व के मूल्यवान ब्रांड्स की सूची में भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड्स कौन है 2019 के अनुसार? तो ये टाटा ग्रुप से क्वेश्चन। और 2018 के हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया था? तो चित्रा मुद्गल को। क्या? तो चित्रा मुद्गल को। उनका उपन्यास का नाम क्या था? तो ये पूछ सकता है कि पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा, तो ये किसकी कृति है? तो ये चित्रा मुद्गल की कृति है। आगे बढ़ते हैं, और इनको क्या दिया गया था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक 2018 में भारत का स्थान कितना था? तो 78वां है। क्लियर है? और पाकिस्तान से एक और क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला सिविल जज कौन बन गई है? तो ये है सुमन कुमारी। तो क्या थी? पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला सिविल जज। ये कभी भी क्वेश्चन पूछेगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ बना है? तो ये दांडी कहाँ? तो गुजरात में। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये दांडी से क्या हुआ था? तो महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह आरंभ किया था, तो इसीलिए बना है वहाँ पर। क्या? तो नमक सत्याग्रह स्मारक। सॉरी, वो साबरमती से उन्होंने शुरू किया था। साबरमती कहाँ है? तो अहमदाबाद में है, और वहाँ से दांडी तक मार्च किया था, और दांडी में जाकर सिंबॉलिक रूप से नमक कानून को उन्होंने भंग किया था। क्लियर है? और अबू धाबी में खेले गए एशिया कप फुटबॉल का चैंपियन कौन था? तो एशिया कप फुटबॉल का चैंपियन तो कौन था? वो कतर। तो कतर क्या किया? तो जापान को हरा दिया। और कतर क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि 2022 में जो होने वाला फुटबॉल का विश्व कप है वो कहाँ होगा? तो वो भी कतर में होगा। क्लियर है?
और एक प्रधानमंत्री मोदी ने महत्वाकांक्षी योजना शुरू किया था, क्या कि किसान सम्मान, तो क्या नाम था, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना। ये क्या था कि किसान को प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपये दिए जाएंगे, वो भी 3 किस्त में, यानी 2,000 की 3 किस्तें थी और दी जाएगी। पहले इसमें एक लिमिट था कि 2 हेक्टेयर तक की ज़मीन वाले को, लेकिन अब क्या कर दिया गया है, तो अब ये अनलिमिटेड है, यानी कितना भी ज़मीन हो उनको दिया जाएगा। और इनकम टैक्स की छूट सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, तो 5 लाख, और अभी प्रेजेंट में भी ये इतना ही है, इससे आगे नहीं है। और एक और महत्वपूर्ण, ये भी क्वेश्चन में बार बार क्वेश्चन आ रही है, कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेलगाड़ी ट्रेन 18 का नाम बदलकर क्या किया गया, तो ये वंदे भारत एक्सप्रेस, और ये कहाँ से कहाँ चलती है, तो ये बनारस टू दिल्ली जाती है। क्लियर। और वेटलैंड्स एंड क्लाइमेट चेंज विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया, तो वेटलैंड, नाम ही है वेटलैंड मतलब आर्द्र भूमि, तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब, तो वेटलैंड और क्लाइमेट चेंज, इसका विषय था किसका, तो विश्व आर्द्र भूमि 2019 का, जो नया वाला होगा देखा जाएगा। और पंजाब राज्य का जलीय जानवर किसे घोषित किया गया है, तो ये डॉल्फिन है, तो जलीय जानवर किसको घोषित किया गया है, तो ये डॉल्फिन को। और ऑस्ट्रेलियाई लेडीज पीजीए टूर, तो क्या, तो ऑस्ट्रेलियाई लेडीज पीजीए टूर कार्ड प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कौन है, तो गोल्फर है वानी कपूर। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन गोल्फर है, तो ऑप्शन रहेगा वानी कपूर। और विश्व भर में मैं हूँ और मैं रहूँगा, यानी आई एम एंड आई विल विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया था, तो यह है विश्व कैंसर दिवस। और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की घोषणा किसने की थी, जो पहली भारतीय हैं और वो महिला हैं, तो कौन है वो, तो तुलसी गेबॉर्ड, कौन, तो तुलसी गेबॉर्ड। आगे बढ़ते हैं, डिजिटल सिविलिटी इंडेक्स कौन, तो डिजिटल सिविलिटी इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है, तो भारत 7वें स्थान पर है, कौन, तो डिजिटल सिविलिटी इंडेक्स में। तो ये हो गया लगभग, मान लीजिए जनवरी का हो गया, इसके बाद वीडियो बड़ा हो रहा है, इसलिए अब अगली बार अगले वीडियो को लोड करता हूँ। तब तक धन्यवाद, और आशा करते हैं कि हमारा चैनल जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इन सब बातों के साथ धन्यवाद।